अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। मैं तो यही मतलब मशवरा देता हूँ कि स्कूटर पर भी डबल सवारी पर बैठे हैं तो ये देख लें कि कहीं वो गंदा जहन तो नहीं बन रहा। बदन बिल्कुल चिपक के बैठते हैं, वे ट्रिबल तो तोबा तोबा आग थू, समझदार आदमी कभी करेगा नहीं। ये ट्रिबल सवारी इतना खतरनाक, ये चिपक कर बैठते हैं और स्पार्किंग नहीं होती हो, ये बहुत मुश्किल है। जन्नती है मेरा आंडू बकरा, फंस गया कैसे लोगों में ससुरा। जन्नती है मेरा आंडू बकरा, फंस गया कैसे लोगों में ससुरा। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, सो टेस्टी, सो लुकिंग लाइक अ वाव। फातिहा नहीं देना। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। आ जाओ ना अपने इंजीनियर साहब को, उनसे कह दो ना आप। इंजीनियर साहब को कहते हैं या अली मदद से बात होगी बस, खाली और किसी पे होगी नहीं। अबू बकर उमर की खिलाफत को क्या हो गया उस पर? क्यों बात के मसाइल है, अरे या अली मदद बस। वो क्या करता है रे तेरी तो बस निकल गई हवा। उस्ताद आजम फरमाते हैं कि हजरत दीदी के पैर दबाने का बहुत मन करता है मगर शादी ना हुई, क्या मैं दूसरे की बीवी के पांव दबा सकता हूँ? जी हाँ, आप अपने अब्बा की बीवी के पांव दबा सकते हैं, इंशाल्लाह आपका सवाब मिलेगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। 1965 और 71 की जंग का वाकया पढ़, जी फौजिया ने किताबा लिखिया कदी पढ़ जालमा। उन्होंने लिखा है कहिंदे जी बंब तो बड़े आउंदे सन पर सावे चोले वाला बाबा फड़ फड़ के विच पाई आउंदा सी, ते जदों पिछे वेखदे सन तो सिटी आउंदा सी, बाद च पता लगा कौन है। किसे ले कहा दाता साहब सन, किसे ले कहा बाबा साहब सन, किसे फरमाया मौला अली घोड़े ते हसन हुसैन नूं लेके आए सन। झूठ बोलो और बोलो, बोलते जाओ, असी लपेटते जावांगे तुहाडी। इनका हाल यह है कि जो 1965 तक बंब पकड़ते थे ना, उनके मजारात पे आके बम ठोक के चले गए दहशतगर्द। जो बंदा डाइये मार के कैच पकड़ता था रावी के पुल के ऊपर, ठीक है, उसके हाथ में ऐसे कैच पकड़ा के गए दहशतगर्द, 55 बंदे वहां पे शहीद हो गए। या सैयदी, आपके नाम का क्या माना है? सुभान अल्लाह। मैं शेर सुना दूं? इरशाद इरशाद। अत्तार करम ही से तेरे जम के खड़ा है, दुश्मन ने गिराने को बड़ा जोर लगाया। तो इलियास के लफ्जी माना है मैदान से ना भागने वाला। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कातिबे वही कुरानी जलीलुल कद्र सहाबी रसूल, 163 अहदीस के रावी हम सवारे रसूल, इस्लामी तारीख के पहले बहरी बेड़े के सिपाही सालार, फातेह शाम कब्रेस और 19 साल तक 64,65,000 मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले, जिनके औसाफ मुबारक में इखलास और अहदो वफा, इल्म फजल और फिका इज्तिहाद, हुस्न सलूक, सखावत, तकरीर खताबत, मेहमान नवाजी, तहम्मुल बुर्दबारी, गरीब परवरी, खिदमत खल्क, अतात इलाही, खौफ इलाही, इत्तबाए सुन्नत। भिखारी अगर भीख मांगने आए और सलाम करे तो क्या इसका सलाम का जवाब देना वाजिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिखारी अगर भीख मांगने आए और सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को एक रिवायत के हिसाब से उतारा गया हिमालय में, हिमालय में जो उतारे गए तो वहाँ पर मसला ये कि आपने जो रोए थे और आपके आंसू की जो नदियां बही थी, कि जिसमें आज भी पाप धोए जाते हैं और जिसमें पानी के जहाज चलते थे, तो एक जो हिंदुस्तान में आई है गंगा और एक पाकिस्तान में गई है सतलज, जो सबसे बड़ी नदियां है और आज भी इसमें पाप धोए जाते हैं। लेकिन नहीं धोते? नहीं, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो जो रिवायतें है ना, और उसके बाद में सबसे पहला जो शहर बसा
सबसे पहला जो शहर बसा जिसे अवध कहा गया, जिसे अयोध्या कहते हैं अवध, या अवध को वो अभी लखनऊ भी बोलते हैं, जो सबसे पुराना शहर बसा गया दुनिया के अंदर वो अवध है। यहाँ बाबू को बिठाने, उनका अदब करो, क्योंकि बड़े बाबे हैं ना, बुजुर्ग हैं, उनका इज्जत करो, एहतराम करो, बाबू का अदब करो। तो यहाँ जब बैठा तो यहाँ अजीब जुमला सुनने को मिला, बाबे दिशाही कोई नहीं। एक तरफ बाबू का अदब कराया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है बाबे दिशाही कोई नहीं। वो बाबे इन बाबुओं से बेहतर होंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी नजर। हाँ नहीं नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, इस हवाले से क्या कहेंगे। इस कुर्सी में कोई एक बाबा भी नहीं है जिसने चिश्ती रसूल कलमा पढ़वाया हो। अगर उस तरह का बाबा मेरे हत्थे चढ़ जाए तो फिर देखें उसके साथ हम क्या करते हैं। ठीक है, उसे तौबा करवाएंगे, मारेंगे नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे जितने आते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। पहले आप इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फतावा रिजविया शरीफ, फतावा रिजविया शरीफ के जिल्द नंबर 22 है के सफा नंबर 319। वो कौवा जो दाना खाता है, नजासत की तरफ नहीं जाता, जिसे गुराबे जरा यानी खेती का कौवा कहते हैं, छोटा होता है, काले रंग का होता है, चोंच और पंजे गालिबन उसके लाल होते हैं, ये जो कौवा है, इसकी जो सिफात इमाम अहले सुन्नत ने बयान फरमाए हैं, ये कौवा बिल इत्तेफाक जायज है। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कौवा खाने को हलाल लिखा है। ये नाजायज नहीं है। उर्से शरीफ में तीन दिन चार दिन आना, पेनीकोंडा में रहना, दरकारों का सदका खाना, बुजुर्गों की चौखटें चूमना, वहाँ फूल खाना, चादर चढ़ाना, वहाँ पर उर्से शरीफ के तकारीफ में शिरकत करना, संदल को ले आना, खुदा की कसम यही दीन है, यही इस्लाम है। लोगों ने नहीं समझा है, जिसकी वजह से जाहिल कौम ने इसको गलत समझ बैठा है। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया।